मैं डॉक्टर प्रवीण शर्मा, अध्यापक शक्ति मंच का उपाध्यक्ष और इप्सेप जो नेशनल लेवल का संगठन है उसका मैं दिल्ली कमेटी का सदस्य हूँ। पुराने पेंशन बहाल के लिए आज अहम मुद्दों पर बैठक हुई है, जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पुरानी पेंशन का जो मुद्दा है ये आज का नहीं है, आज हमारी ये जनरल बॉडी की मीटिंग हुई है कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में। यहाँ काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट से और ज़्यादातर जो है हमारे दिल्ली के शिक्षक आए हैं और बहुत हुजूम है, आप देख ही रहे हैं अंदर पूरा हॉल भरा हुआ है खचाखच। तो ये मुद्दा आज का नहीं है, ये मुद्दा जब शिक्षकों के लिए या कर्मचारियों के लिए एक अप्रैल 2004 का जो दिन था, जो अटल जी की सरकार थी, उन्होंने एक विधेयक पास किया और एकदम से हमारी पेंशन जो सेवक है, जो वास्तव में जो देश की सेवा करते हैं वो कर्मचारी करता है, नेता देश में राजनीति करता है, कर्मचारी देश की सेवा करता सर, है। सर सरकार जो एनपीएस लाई वो सोच समझ कर लाई होगी, देश हित में होगा ना वो? देखिए सर, एनपीएस से पहले भी पीएफ था, उससे पहले कुछ और था, तो कुछ ना कुछ अमेंडमेंट हुआ, लेकिन इसका जो परिणाम है, उसका जो दुष्परिणाम है वो एट ए टाइम नहीं पता चलता। जब दुष्परिणाम आज निकल करके आ रहा है कि 25-20 साल लोग सर्विस करके और जब रिटायर होकर के घर जाते हैं तो उनको पता चलता है कि 2500 रुपये पेंशन बन रही है। जिस आदमी ने 30 साल की सेवा की और वो 2500 रुपये के लेकर के पेंशन बना करके वो अपने घर जा रहा है, आप सोचिए कि जरा एक कम छोटा सा एक विचार करें कि क्या उसकी सामाजिक सुरक्षा है? 2500 से ज़्यादा तो एक वृद्ध की पेंशन सरकार ने बना रखी है, तो हम कैसे मान सकते हैं कि सोच समझ करके उन्होंने इस योजना को लागू किया? और अगर सोच समझ करके ये लिए लागू किया तो क्यों नहीं उन्होंने संसद से और जो राज्य की जो विधानसभाएं हैं वहीं से क्यों नहीं उन्होंने इम्प्लीमेंट किया? क्यों आज भी आप देख रहे हैं कि कोई MLA बनता है, एक दिन का MLA पेंशन ले रहा है, उसके बाद अगर वो दोबारा MLA बनता है, कुछ राज्यों में ये व्यवस्था है कि वो दोबारा MLA बना तो उसकी भी पेंशन बनी, MP बन गया तो MP की भी पेंशन मिल रही है। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था किसी न्यूज चैनल की, उसमें आ रहा था कि कुछ स्टेट में एक नेता जो 9 बार MLA और सांसद रह चुका है उसको 9 बार की पेंशन मिल रही है। नेता जो है देश हित में काम कर रहे हैं, दिन रात काम करते हैं वो, जी वो पेंशन तो मिलनी चाहिए। तो क्या कर्मचारियों का क्या गुनाह है कि क्या कर्मचारी देश हित में काम नहीं करते? नेता जो जिस गवर्नमेंट किसी भी स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट जहां संसद में बैठ करके कानून पास करती है उसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? कर्मचारी कर रहा है, सरकारी कर्मचारी कर रहा है। हम किसी से खैरात नहीं मांग रहे, इन्होंने चलती हुई पेंशन को बंद किया है, हमारा मुद्दा है कि उस पेंशन को बहाल किया जाए और हम आगामी 14 जनवरी 2023 को इसके लिए एक बड़ी रणनीति के साथ हम लोग आपके सामने आएंगे, वो सड़क से लेके और जंतर मंतर और जरूरत पड़ी तो संसद तक भी हमारा पूरा जो हुजूम है वहां तक हम रैली भी करेंगे, सड़कों पर भी डलेंगे। क्या मंशा हो सकती है सरकार की एनपीएस लाने की? सरकार की मंशा के ऊपर हम सवाल नहीं उठाना चाहते, हमें हमारे मुद्दे से मतलब है कि हमारी पेंशन बहाल की जाए। नहीं, कुछ ना कुछ तो सोचा होगा ना, सोच समझ के किया होगा। कोई भी गवर्नमेंट एनपीएस लाकर, कोई भी एनपीएस लाकर सरकार का ये फंडा है कि एनपीएस का जो पैसा है उस पैसे के ऊपर वो क्या कर रहे हैं, मार्केट में उस पैसे को डाल करके अलग अलग कंपनियों में वो पैसा शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है और उससे गवर्नमेंट पैसा कमा रही है, लेकिन कर्मचारियों के पैसे का कोई हिसाब पता नहीं है। मैं आपको बताऊं कि हमारा जो एनपीएस का पैसा है, हम जब हमारे एनपीएस का रिकॉर्ड देखने के लिए निकलते हैं तो हमारा पूरा महीने का रिकॉर्ड भी नहीं मिलता। और देखिए आप मजे की बात, कैसे ये अच्छी पेंशन स्कीम हो सकती है, जिस दिन हम रिटायर होंगे 60 साल के बाद में, जिस दिन मैं घर जाऊंगा उस दिन अगर सेंसेक्स या आप जो शेयर मार्केट ऊपर हुआ तो मेरी पेंशन अच्छी होगी, अगर शेयर मार्केट गया तो मेरा पैसा तो डूब गया। अब आप सोचिए कि प्राइवेट कंपनियों में उन्होंने अगर इस तरीके के पैसा लगा दिया हमारे कर्मचारियों का, जिसका उन्होंने कोई श्योरिटी नहीं दी कि आपका कोई फिक्स तो पेमेंट हो, हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारा 50 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए जिस दिन हमारा कट करके कंट्रीब्यूशन जो हमारा गवर्नमेंट में जमा हुआ है वो भी हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका भी कोई हिसाब किताब नहीं है। सर, क्या कारण है कि जब भी सरकार कोई योजना लाती है तो उसका विरोध होने लग जाता है? यानी आप सरकार की योजना का जो विरोध है वो आज नहीं, विरोध आज हो रहा है। क्यों? क्योंकि 2004 में ये जब न्यू पेंशन स्कीम लेकर के आए अटल जी की सरकार में 1 अप्रैल 2004 को जब ये न्यू पेंशन स्कीम लगी, जब इसके
उसके बारे में कर्मचारियों को समझ ही नहीं आया कि ये क्या चाह रहे हैं। इस तरीके से इस चीज को प्रेजेंट किया गया कि जैसे तो ये बहुत बड़ी योजना है, और अगर सच में अगर ये अच्छी योजना होती तो मैं ये कहता हूँ कि राजनेता जो है, देश के राजनेता सबसे पहले अपने ऊपर इंप्लीमेंट करे, उसके ऊपर उसके बाद में कर्मचारियों के ऊपर इंप्लीमेंट करते। क्यों आज तक भी वो जिस दिन उनकी तनख्वाह बढ़ने की बात आती है, एक सारी जितनी पार्टियां विरोधी पार्टियां भी वो सत्ता पक्ष के साथ होकर के एक बार टेबल पे थाप मारते हैं और उनका बिल पास हो जाता है। राज्यों की बात करें तो कांग्रेस ने कुछ जगहों पर जो है ओपीएस लागू किया है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अभी हिमाचल में भी सुनने हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, कर्मचारी हित में उन सरकारों ने काम किया है, और ऐसा नहीं है कि सरकारों के पास पैसा नहीं है। अगर पैसा नहीं होता तो ये आज तक इतनी लंबी जो ये 22 साल का ये जो टाइम पीरियड हुआ, या इससे पहले का जो टाइम पीरियड, इससे पहले जो पेंशन, पुरानी पेंशन जो मिल रही थी लोगों को, जितने भी कर्मचारी जो रिटायर हुए, अगर सरकार के पास पैसा नहीं होता तो जो पुरानी सरकारें थी क्या उन्होंने बंद नहीं कर दी होती? देश तो 1947 से आजाद है, ये व्यवस्था तो 1952 से चल रही है, आज तक उन्होंने क्या उनको समझ में नहीं आया? ऐसा नहीं है सर। लास्ट सवाल है आपके, 14 तारीख को आप करेंगे, क्या आपको लगता है सरकार आपकी बातें मानेगी? देखिए, हम हजारों प्रोटेस्ट करते हैं, लोग दुनिया भर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही। ऐसा नहीं है, अगर आप अगर आंदोलन की बात कर रहे हैं तो आंदोलन को आप देखिए कि इसका परिणाम जो है निकल करके आ रहा है सामने, और धीरे धीरे लोगों में, कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ रहा है सरकार के खिलाफ। क्यों? उसी आक्रोश का परिणाम है कि अभी आपने बताया कि 5 जो हमारे स्टेट हैं उनमें न्यू पेंशन स्कीम को हटा करके ओल्ड पेंशन स्कीम लाने की उन्होंने कवायद शुरू कर दी है, जिनमें से ताकत है क्या सर कि किसानों की तरह आप अगर ऐसी अगर ताकत नहीं है पाएंगे? अगर आप ताकत की बात करते हैं, अगर ताकत नहीं होती तो जो 5 स्टेट में जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हुई है वो वहाँ के कर्मचारियों की ही ताकत है, उन्हीं की देन है कि गवर्नमेंट को अपना मानसिक स्थिति को बदलना पड़ा और वहाँ पर ओपीएस लागू करना पड़ा। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा जो संघर्ष होगा वो पुरजोर विरोध हम सरकार का करेंगे, और आने वाले टाइम में सड़क से संसद तक हमारा हुजूम जब घूमने लगेगा और जब डोलने लगेगा और कर्मचारियों का जब हुजूम उबड़ेगा तो गवर्नमेंट को हमारी बात माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम किसी से खैरात नहीं मांग रहे, हमारा हक है, ये हमारा संवैधानिक हक है, और हम उसी हक को वापस बहाल करने की हम सरकार से मांग करते हैं।